मैंने बात कही कुल मिलाकर खटास को खत्म कीजिए। क्या कीजिए? खटास को खत्म कीजिए। छोटा मोटा माहौल बन भी जाए ना, उसे प्रेम से, शांति से, मुस्कान से, आनंद से उसको मिटाने की, समेटने की कोशिश कीजिए। बात को जितना आप बढ़ाएंगे ना वो बढ़ती जाएगी, और जितना आप समेटने की कोशिश करेंगे, इधर से सॉरी कह दो, इधर से सॉरी कह दो। देखो, अगर आप देख लो आपके ऐसे कोई भाई भाई हैं जिनमें आपस में बोल चाल नहीं हो, गुस्से में आदमी पहला काम करता है वैर की गांठ बांधता है। क्या करता है? गुस्से में आदमी सबसे बड़ी भूल करता है बोल चाल बंद, आना जाना बंद। मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है जो एक माँ के पेट से पैदा हुए, ट्विंस पैदा हुए, पर आपस में बोलते नहीं, मिलते नहीं, एक दूसरे के यहाँ जाते नहीं, एक दूसरे के काम आते नहीं, केस मुकदमे कर रखे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। मेरे भाई, दुनिया में रहना कितना है? चार दिन की जिंदगी है, दो दिन बीत गई और दो दिन बीत जाने वाले हैं, किसकी झकाड़ कर रहे हो? पैदा हुए थे ना धरती पर तो माँ ने जो पहला कपड़ा पहनाया था उसका नाम क्या था? जबड़ा। क्या नाम था? लंगोट। माँ ने जो पहला कपड़ा पहनाया वो था लंगोट, और मरने के बाद जो लोग अंतिम कपड़ा ओढ़ाएंगे उसका नाम है कफन। देखो तो सही, आदमी जब पैदा होता है तो शरीर पर सबसे पहले लंगोट पहनाई जाती है, पर लंगोट में कोई जेब नहीं होता। आदमी जब मरता है तो अंत में कफन ओढ़ाया जाता है, कफन में कोई जेब नहीं होता। पर आदमी की हालत देखो, बचपन में लंगोट में जेब नहीं था, मरने पर कफन में जेब नहीं था, पर जिंदगी भर आदमी जेब ही जेब भरता रह गया। बस जीवन का कोई निस्तार न कर पाया, जीवन का कोई कायाकल्प न कर पाया, जीवन का कोई उद्धार नहीं कर पाया। तो मैंने पहला अनुरोध आप लोगों से किया, अपने घर में इस तरह का माहौल बनाओ। देख लो, आज ही निर्णय कर लो, अगर आपके किसी भाई के साथ बोलचाल मंद है, मेरे भाई बाकी सब चीजें यही रह जाएगी। मुझे नहीं मालूम आप पत्नी से जितना प्रेम करते हैं वो प्रेम अगले जन्म तक जाएगा कि नहीं जाएगा, पर अगर आपने अपने सगे भाई से वैर की गांठ बांध रखी है वो वैर की गांठ जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करती रहेगी, जन्म जन्मांतर तक आपको दुखी करती रहेगी, जन्म जन्मांतर तक आपके जिंदगी में खटास बोलती रहेगी, जीवन में कांटे उगाती रहेगी, जीवन को नरक बनाती रहेगी, जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा आपके साथ चलेगा। इसलिए आज विवेक है, आज सद्गुरु का जीवन में साथ है, आज जीवन का पाठ पढ़ने को मिल रहा है, आज ही हम जीवन का फैसला कर सकते हैं। मेरी जिससे बोलचाल बंद है, देरानी से बोलचाल बंद है, मैं क्षमा मांगती हूं, मैं क्षमा करती हूं। मेरे भाई, पाली तना की तीर्थ यात्रा करने के लिए 5,000 सीढ़ियां चढ़ना सरल है, तिरुपति बालाजी की यात्रा करने के लिए 10,000 सीढ़ियां चढ़ना सरल है, लेकिन अपने सगे भाई जिससे तुम्हारी बोलचाल बंद है उसके घर पर जाकर 5 सीढ़ियां चढ़कर उसको सॉरी कहना यह बहुत मुश्किल है। 5 सीढ़ियां चढ़ना, और सच्ची तीर्थ यात्रा आदमी के तब नहीं होती जब वो 5,000 सीढ़ियां चढ़कर किसी तीर्थ की वंदना करता है। सच्ची जीवन की यात्रा इंसान के तब होती है जब अपने सगे भाई से अगर बोलचाल बंद है उसके घर जाता है। याद रखना, आप उम्र में बड़े हैं कि छोटे हैं कोई दिक्कत नहीं, और ये भी मत समझना कि अगर आप सॉरी कहते हैं तो इसका मतलब आप गलत हैं। पहली बात तो मैं अभी बता दूं पीछे बैठे भाइयों, अगर आप किसी को सॉरी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। अगर आप सही होकर भी दूसरे को सॉरी कहते हैं इसका मतलब यह है कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। अगर आप जेठानी होकर आपको पता है कि गलती देरानी ने की फिर भी आप मामले को समेटने के लिए अपनी तरफ से सॉरी कहते हैं, अगर आपको पता है कि गलती बहू ने की और वो अभी भी अकड़ रही है फिर भी आप घर में मिठास और प्रेम घोलने के लिए, नरक बनते हुए कांटे बनते हुए घर को वापस स्वर्ग सरीका बनाने के लिए सासू मां अगर आप सॉरी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी और गलत हैं, इसका मतलब यह है कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। आप जानते हैं कि घर में बड़ा किसको कहा जाता है? जो बड़ा बन कर रहे वो बड़ा नहीं, जो बड़ा बन कर रहे घर में वो बड़ा नहीं, घर में बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर घर को एक रखने के लिए अपना बड़प्पन दिखाता है।